वेलकम फ्रेंड्स, आज के स्टूडियो में हम जानेंगे काउंटर नंबर 3 के ऊपर जमा होने वाले प्रपत्र सामग्री या कुछ जो भी लिफाफे वगैरह हो उनके बारे में। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने काउंटर नंबर 1 और 2 के बारे में आपको विस्तार से बताया है। साथ ही आपको ये बताना चाहूँगा कि अलग अलग ज़िलों के अंदर अलग अलग काउंटर हो सकते हैं। यहाँ पर पाली ज़िले में 4 काउंटर तैयार किए गए हैं, जबकि मैं जिस PDF के जरिए आपको बताया है उसके अंदर 3 ही काउंटर थे। यहाँ पर देख सकते हैं पाली ज़िले में 4 काउंटर तैयार किए गए हैं। और बात करें जिस PDF के जरिए मैंने आपको बताया उसमें, तो यहाँ पर अधिकांश जो सामग्री है, लिफाफे हैं, प्रपत्र है, ये काउंटर नंबर 1 और 2 के ऊपर जमा हो चुके हैं। काउंटर नंबर 3 के ऊपर वही सामान्य जो चीज़ें होती हैं ये आपको यहाँ पे जमा करानी होती हैं। और ये काउंटर नंबर 3 का वही जो एक जमा कराने वाली सामग्री का ब्यौरा है, ये काउंटर नंबर 1 और 2 के लिए भी होता है। और 3 के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं हैंडबुक है, मैनुअल जो इलेक्ट्रल वोटिंग मशीन है, उसके बाद में EVM का जो मैनुअल है, उसके बाद में ये जो इंक है, स्टाम्प पेड है, ये सामान्य जो चीज़ें होती हैं, ये रबर स्टैम्प होती है, मार्कशीट होती है, ये आपको यहाँ पे जमा करानी होती है। तो इसके अंदर ज़्यादा, वैसे इस PDF के जरिए मैंने आपको बताया इसके अंदर काउंटर नंबर 3 के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं दिया, ये सामग्री दी गई है जो सामग्री नॉर्मल होती है। और इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी हो तो आप वो हमारे वीडियो देख सकते हैं, जिनके अंदर आपको एक एक लिफाफा या प्रपत्र हमने भरे हुए लिफाफे प्रपत्र के जरिए आपको बताया कि किस तरह से काउंटर नंबर 1 और 2 के ऊपर आपको सामग्री जमा करानी होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के स्टूडियो में इतना ही, अगले वीडियो में नए चैनल साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।